सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का कंपेरिजन जो है वो पप्पन पिल्लो के साथ है, जो कि है पल्सर 125 पे। और क्या बात है, पप्पन पिल्लो जिनका वेट है 56 किलो, 2 किलो वेट बढ़ा लिया, 58 किलो हो गया। इन दोनों का कंपेरिजन लेने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी बूजा है स्प्लेंडर प्लस 100 cc की बाइक, मतलब 97.4 cc की बाइक का कंपेरिजन 125 cc से करने वाले हैं। तो चलें देखते हैं आज धुआंधार, तुम्हारे छक्के छुड़ाता हूँ मैं स्प्लेंडर से। क्रूजिंग पोज में बैठा है लौंडा, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है। और हमारी स्प्लेंडर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। मैं आता हूं जरा स्पीडिंग पोज में। एक 110 पहुंचा दिया है मैंने। वो ज्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन जीतना नामुमकिन। बिल्कुल मुमकिन नहीं है जीतना। शिट यार, अभी राइडर स्विच कर लेते हैं, देखते हैं पप्पन पिल्लो कुछ कमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलो एक बार बूजा चला लो, देखते हैं वेट का अंतर आता है शायद थोड़ा बहुत। यहाँ पे आप देख सकते हो पल्सर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, 125 सीसी चला के लग रहा है 125 सीसी, हकीकत में फास्ट है। आने दीजिए इनको, थोड़ा मौका देते हैं। ये देखिए आप बहुत तेजी में निकले और इनको पकड़ना कितना आसान है ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देख रहे हो कितना आसान है पकड़ना, बहुत आसान है। मैं यहाँ पे विनर होता हूँ।
तो अभी मैं करने ये वाला हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये 125 सीसी में बहुत ज्यादा पावर है, इतनी पावर है कि ये 100 सीसी को नहीं बीट कर पा रही किसी भी तरीके से। तो मैंने क्या किया है कि मैंने पिलियन को अपने साथ एक बिठा लिया है और इस पे वेट अब हो गया है ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। इनका वेट भी करीब 70 केजी के आसपास है, तो 140 केजी का वेट इस पे है और इस पे सिर्फ 56 किलो जो कि है पप्पन पिल्लो। तो अब देखते हैं ये हरा पाते हैं या ये इसको बीट कर पाती कि नहीं। तो चलें, चलो क्या बात है भैया, अभी भी पीछे। अब तो आओ कम से कम, हराओ, मजा आए। आया, ये आया। अच्छा, देख सकते हो अभी पप्पन पिल्लो 56 किलो लेके कुछ फायदा नहीं उठा पा रहे और ये 103 104 पहुंच रही है, बहुत ही आराम से 105 पहुंच रही है। विनर, आप साफ साफ देख सकते हो कि डबलिंग पे भी आराम से एक 125 सीसी की पल्सर स्प्लेंडर को हरा देती है। क्या कह रहे हो, हार गए? हिम्मत ही नहीं इसकी की जाए, हार गए, करा लिए बेइज्जती। चलो आओ, हार गए। आओ आओ, नहीं आओ आओ। आओ लेकिन फाइनली हमने इनको पकड़ लिया। पीछे देख रहे हैं, आगे देखो, 110 पहुंच गई भाई डबलिंग पे। क्या बात है, बहुत बेहतरीन बाइक है और बहुत ही अच्छी पावर है।
तो कोशिश आपने बहुत की। ये पीछे देख रहा है, मैंने कहा पीछे देख रहा है, ये पीछे आगे देखो आगे। उसके बाद देखी ना आगे आए ये चमत्कार। तो आप लोगों ने देखा कि सच में पल्सर 125 में पावर है, बहुत अच्छी पावर है। डबलिंग पे होने के बावजूद पप्पन पिल्लो भाई साहब वेट का एडवांटेज नहीं ले पाए। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे। टिल देन बाय बाय।